जय भीम, मैं चेतना। जय भीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषि विद्यालय के संस्था चालक के अत्याचार से त्रस्त आकर चौकीदार ने की आत्महत्या, संस्था चालक आशीष जोके फरार। रामटेक में धान उत्पादक किसानों को पेट जलाशय का पानी देने की मांग, कई विधायकों ने लगाई आंदोलन में हाजिरी। और मुंबई के चेंबूर में बीआरएसपी के दो दिवसीय अधिवेशन का हुआ समापन, बीआरएसपी के अधिवेशन में लगा राजनेताओं का तांता, संस्थापक सुरेश माने ने रखी खास बात। अब खबरें विस्तार से। बुल्ढाणा के समीप स्थित राष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषि विद्यालय के संस्था चालक आशीष डोके द्वारा संस्था के चौकीदार को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने पर चौकीदार प्रकाश सुसलादे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन आत्महत्या के पहले मृतक ने चिट्ठी में अपनी आपबीती बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन आरोपी संस्था चालक फरार है। मागासवर्गीय राष्ट्रीय कृषि विद्यालय याचे सर्वे सर्वा अध्यक्ष आशीष ढोके यांच्या विरोधात IPC कलम 396 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। फॅक्ट अशी आहे की त्यांच्याकडे प्रकाश सुसलादे नावाचे पिऊन या पदावर, चपराशी पदावर कार्यरत होते, त्यांनी सुसाईड केलेली आहे आणि त्यांच्या सोबत सुसाईड नोट मिळालेली आहे। त्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आशीष ढोके यांनी त्यांच्याकडनं 2014 10 लाख रुपये घेतले आणि त्यांना परमनंट करतो कृषी विद्यालयामध्ये, रोजगार म्हणून कामावर नोकरी देतो म्हणून, आणि त्यांची फसवणूक केली, त्यांना कुठलाच पैसा दिला नाही आजपर्यंत आणि वारंवार सांगत बस होते की तुम्हाला परमनंट करू। आता काही दिवसाआधीपासून त्यांना सांगत होते की तुम्ही जर परत ह्या बाबी कराल, तक्रारी कराल, तर तुम्हाला नोकरीहून काढून टाकू, अशा प्रकारच्या त्यांना धमक्या देत होते। या सगळ्या तणावामध्ये त्यांनी 27 तारखेला शाळेच्या खोलीमध्येच स्वतःला गळफास लावून आत्महत्या केलेली आहे। आशीष ढोके यांचा आम्ही शोध घेत आहोत। यामध्ये घेतलेले 10 लाख रुपये हे पण आम्ही रिकवर करू आणि उर्वरित तपास माननीय SDPO महामुनी साहेब व आमचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक DK भुजबळ साहेब यांच्या मार्गदर्शनामध्ये चालू आहे। धान उत्पादक किसानों को पेट जलाशय का पानी देने की मांग को लेकर रामटेक में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में सावनेर के विधायक सुनील केदार, पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक सहित भाजपा के विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने अपनी हाजिरी लगाई। फक्त शेतकऱ्यांची अडचण दूर झाली पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे। मी एक गोष्ट आणखी केदार साहेबांना सांगितलं, 2 वर्ष तुमचा कमी करा, तुमच्याकडे पेटला पाणी नाही, भंडारा तुमचा कमी केला, आपल्याला एक रामटेक मोदा पार्श्वनिक सावनेर या ठिकाणी पाणी देत आहे, त्या टेल पोर्शन करता जास्तीचे पाणी सोडा लागते आणि वॉटर लॉसेस होतात, पाणीचे वाया जातात पाणी, असे आम्ही प्रस्ताव ठेवणार आहेत। पुढच्या वर्षी ते तुमचा आणि तुमच्याकडे पाण्याची आवक पाहून तुम्ही जलसंपदा विभागाने पहिले डिक्लेअर केलं पाहिजे, खरीपच्या जे काही हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच मेला सांगितलं पाहिजे, जूनला जुलैला सांगितलं पाहिजे, पाणी वाटर संस्था आणि यांच्या PLA ची जी समिती आहे त्यांनी सांगितलं पाहिजे, तुमच्या माध्यमातून तुम्ही मुद्दे उपस्थित केला पाहिजे। तुमचा आणि भंडारा जे काही 15,000 हेक्टर तुम्ही कमी करू शकलो तर आपल्या या ठिकाणी 3 फेरी आपल्याला पाणी भेटू शकते, त्याच्या दुसरा मार्गच नाही। आता केदार साहेबांनी दुसरा सुचवलं, आपला मुलक साहेबांनी भाई आंबोरावरून तो पाणी आणण्यासाठी उपचार करू, आपला ते नागपूर पाणी पुरवठ्यासाठी देणे करू, तुम्ही चांगल्या सूचना दिली आणि आपल्या ज्या कार्यकाळात होते आपणही मंत्री होते, जलसंपदा मंत्री आपण त्या काळात केलं असता तर आज हे परिस्थिती निर्माण झाला नसता। हे पण माझी इच्छा होती का तुम्ही चांगले नेते, चांगले मंत्री म्हणून तुम्ही काम केले, आपण ते खरं आज एक पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून जेवढ्या आमदाराची ताकद आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ताकद तुमची आहे विरोधी पक्ष म्हणून। तुम्ही पण मुख्यमंत्री साहेबांना ते आपला घेराव जे काही करायचं तुम्ही करा ना,
आंदोलनाच्या मध्ये मागणी करा, मागणी करून मुख्यमंत्री साहेबांना बोला भाईना अपूर पाणी पुरवठ्यासाठी तुम्ही पाणी घोषीकृत म्हणून घ्या। माझी सुरुवात पासून मागणी आहे, नागपूर महानगर पाणी पुरवठा पेज मधून बंद केली पाहिजे। जेव्हा चौथा टप्पा पाचवा टप्पा पाईपलाईन टाकत होते तेव्हा सर्व कोणी बोलले नाही, आता सर्व रेड्डीजीला दूर देऊन मी एक तर शेतकऱ्याने एक दुबला माणूस आहे मी, फक्त जेथे म्हणलं तेथे येऊ शकतात आणि कुठं माझं बसासाठी तयार आहे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का तृतीय वर्धापन दिन का कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र का राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन मुंबई के चेंबूर में किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान कई राजनीतिक पार्टी के नामी गामी नेता शामिल हुए। इस अधिवेशन के समापन के दौरान संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने इस अधिवेशन के आयोजन की जानकारी देते हुए BRSP के उद्देश्यों को उजागर किया। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, इसके संस्थापक खुद एडवोकेट सुरेश माने सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आइए उनका क्या कहना है संक्षिप्त में जानते हैं। सर ये जो समापन हुआ आपने सीधे तौर पर कहा कि जनता का एक समारोह अधिवेशन था, 3 वर्ष हुए पार्टी को, इतनी तादाद में इतने लोगों को आपने अपने साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात माना, क्या कहेंगे आज की तारीख? एक बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को 3 साल पूरे हुए, 3 साल के काम का लोखा जो का पार्टी कई राज्यों में बड़ी है, महाराष्ट्र के साथ गुजरात है, तेलंगाना है और इवन राजस्थान तक तो अभी पहुंचने वाली है, और इसलिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विदर्भ के ये रीजन के बाद ये आज का ये तीसरा अधिवेशन, लगातार 1 महीने में 3 अधिवेशन और वो भी अपने साधनों से, ऐसा नहीं कि किसी ने साधन दिए और हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को नकारते हैं बिल्कुल, अपने साधन हो, अपना आंदोलन हो, अपना एजेंडा हो, तो इस आधार पर आज आपने देखा कि समापन लगातार 2 दिन से कई सारे नेता आए गए, अन्य दलों को भी आके गए, तो हम लोगों ने अपनी भूमिका लोगों के सामने रखी है, लोगों को पसंद आई है, और वो भूमिका क्या है, भूमिका साफ है, महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकरी बहुजन राजनीति का बाबा साहब से लेकर एक बड़ा इतिहास, वो गौरवशाली इतिहास, वो गौरवशाली इतिहास का पुनर्निर्माण होना चाहिए। महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट मूवमेंट और राजनीति, ये दोनों की जो क्रेडिटिबिलिटी है वो रिस्टोर होनी चाहिए, और रिस्टोर होनी चाहिए मतलब मैं सीधा कहता हूँ कि महाराष्ट्र के पावर स्ट्रक्चर में ये जो बहुजन समाज के सारे तबके हैं, चाहे फिर उसका कोई भी जाति का नाम दे दो, कोई SC ST कहे, कोई वंचित कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पावर स्ट्रक्चर में ये डिसीजन मेकर होने चाहिए, सिर्फ लाभार्थी नहीं चाहिए तो ये डिसीजन मेकर होनी चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी, जो अपने बहुजन आंदोलन की ज़रूरत है, इसके लिए BRSP के माध्यम से पिछले 3 साल में जो भी प्रयास किया उसको लोगों ने पूरे दमखम के साथ दिया है, और इसी का नतीजा है कि अभी ये अधिवेशन समाप्त हुआ है फिर भी इतने अभी भी लोग इस पंडाल में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। एक अनोखी बात दिखी सर कि अगर बात की जाए कि अधिवेशन की और आम लोगों की और कार्यकर्ताओं की, उसके बावजूद एक राजकीय भी आधार दिखा इसका, कई राजकीय पार्टी के लोग, कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, बड़े बड़े जो दिग्गज उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल रहे, जितेंद्र आव्हाड रहे, फिर कांग्रेस के जो नेता रहे वडेट्टीवार रहे, उन्होंने भी ये मंच साझा किया, इसके पीछे की मंशा क्या थी आपकी इन लोगों को बुलाकर इस मंच को? एक है कि आंदोलन चलाने के 2 तरीके होते हैं, कि अपनी ताकत का अंतर्गत लेवल पर निर्माण करें और उसका डेमो भी अंतर्गत लेवल पर दे दें, लेकिन जब चुनावी राजनीति है तो उसकी ताकत का एहसास दूसरों के सामने भी होना चाहिए, अपने ताकत का एहसास दूसरों को भी कराना चाहिए, और जब देश में 4-4.5 साल में जो वातावरण बना है उसको हटाने के लिए कुछ लोग अगर काम करना चाहते तो वो मंच अपने साथ शेयर कर सकते हैं, और ये हमने पहली बार किया है, इसके पहले ना हमने किसी को बुलाया था ना आमंत्रित किया था, लेकिन जब चुनाव की रणनीति की बात है तो आने वाले दिनों की ज़रूरत ध्यान में रखते हुए और अन्य समांतर जो दल है उनके साथ एक मेल जुलाप होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज होना चाहिए, और इसीलिए हमने इन लोगों को निमंत्रित किया और उन लोगों भी यहाँ आकर अपना मंच को शेयर किया, मैंने जाहिर रूप से उनको भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि आपकी भी शक्ति खड़ी हुए बगैर आपके पास भी कोई नहीं आता, तो ये भी दूसरी एक सच्चाई होती है, तो अभी तक शक्ति हम आपस के अपने अंदर बनाते रहे,
तो उसका डेमो भी कहीं ना कहीं करना होता है। तो ये डेमो करने के राजनीति के तौर तरीके माने साहब इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहेंगे। दो दिवसीय अधिवेशन, एक महीने में तीन अधिवेशन, इन सारी चीज़ों को कहीं कहीं ना कहीं चुनाव है उन चीज़ों को आकार करने के लिए या फिर अपने लोगों तक बीआरएसपी को पहुँचाने के लिए एक तरह के शक्ति प्रदर्शन भी। ये दो बातें हैं आपने बिल्कुल साफ कहा कि एक तो अपने जो लोग हैं उनको अपने शक्ति का एहसास करना, उनको क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। एक एजेंडे के साथ एक क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेज देने की ज़रूरत है, वो भी एक है। और दूसरे आगामी चुनाव जो है, चुनाव की जो राजनीति है, उन चुनाव में बीआरएसपी क्या महाराष्ट्र में डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रही है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करने जा रही है, उसका भी एहसास लोगों के सामने रखना चाहिए। और फिर लोगों का एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, महाराष्ट्र के फुले शाह अम्बेडकर एक्ट के लोगों में एक साइकोलॉजिकल एक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। वो एम्पावरमेंट की ये प्रोसेस है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, ये भरोसा देने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तीनों अधिवेशन में जो मैं बार बार कराऊँ कि अपने बलबूते पर, जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसको किसी ने रसद नहीं दी है, तो अपने लोगों के माध्यम से, अपने लोगों के साधनों के माध्यम से ये छः दिन का एक ही महीने में महाराष्ट्र के तीन रीजन में एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना, ये अपने आप में एक अनूठा बाब है। महाराष्ट्र के राजनीति में कॉग्निजेंस इसका जरूर लिया जाए। एक अंतिम सवाल सर, मैं भी विदर्भ से हूँ और नागपुर के उस सरजमी से आता हूँ जहाँ पर दीक्षा भूमि है। एक आम सवाल अगर मड़ावी जी के मंच से या फिर मड़ावी जी के बातों से पूछा गया है यहाँ पर कि नितिन गडकरी जो गद्दावर नेता है और शायद पीएम कैंडिडेट के सेकंड दावेदार भी इस देश के, उनके खिलाफ अगर लड़ने की अगर आवश्यकता पड़े लोकसभा में तो क्या एडवोकेट सुरेश माने खड़े रहेंगे बीआरएसपी की तरफ से? आज के मन से उन्होंने ये बात रखने पर मैंने इसका पूरा खुलासा करते हुए बिल्कुल साफ किया कि हम कांशीराम साहब के स्कूल से, सोशो पॉलिटिकल स्कूल से निकले हुए लोग हैं और हमारे मूवमेंट की जो भी ज़रूरत है, हमारे आंदोलन की जो भी ज़रूरत है, हमारी राजनीति की जो भी ज़रूरत है, वो करने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। और ये हमने भी तय किया है कि महाराष्ट्र के जो भी शक्तिशाली नेता है उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। वो जो भी बीजेपी के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता हैं उनका जम के विरोध करके खुले अम्बेडकर के लोगों को, बहुजनवादी विचारधारा के वोटरों को एक बेहतरीन ऑप्शन पैदा करेंगे। क्योंकि लोगों को ऑप्शन भी देना होता है, सिर्फ विरोध करने से राजनीति नहीं बनेगी, ऑप्शन भी देना पड़ता है। तो एक तो जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं उनके खिलाफ चुनावी जंग छेड़ना चाहिए, और दूसरा एक मुद्दा है कि जो महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट राजनीति की दलाली करते हैं, वो दलाल नेताओं के लिए, इन दलालों में जो बड़े नेता हैं, बड़े दलाल हैं, उन दलालों के भी खिलाफ हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो आपके सवाल से भी और मड़ावी के सवाल से भी सीधी बात है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, नागपुर ही क्यों नहीं, चंद्रपुर को भी हम टेक ओवर कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी महाराष्ट्र की सीटें हैं तो जहाँ विदर्भ हो या महाराष्ट्र हो या पश्चिम महाराष्ट्र हो, हमने उसका एक साइंटिफिक डायग्नोसिस करके, स्टडी करके अपनी तैयारी में हम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लॉर्ड बुद्धा परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और ये उम्मीद करता है कि बीआरएसपी का उदय हो और बहुत जल्दी यहाँ बीआरएसपी के आमदार खासदार देश की पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा रहे। लॉर्ड बुद्धा टीवी को मैं भी शुक्रिया देना चाहूँगा क्योंकि इसका उद्घाटन भी मेरे हाथों से हुआ था जब लॉर्ड बुद्धा हुआ, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ही हमारा विदर्भ का अधिवेशन हो और अन्य अधिवेशन लोगों तक पहुँचा है, बहुत संपर्क होता है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी अधिवेशन की जो शूटिंग आप लोगों ने की है वो भी पूरे महाराष्ट्र ने तो महाराष्ट्र के बाहर के लोगों तक पहुँचती है, और उससे हमारा मीडिया के साथ भी और मीडिया के माध्यम से अपने लोगों के साथ और जो अपने लोग नहीं हैं उनके साथ भी कनेक्ट होकर एक मूवमेंट बनाने में फ़ायदा होता है। इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी का भी मैं पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय शिवराय। तो ये थे एडवोकेट सुरेश माने जो चेंबूर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ शब्द में कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अगर पूरे दमखम के साथ उतरे की फिर चाहे किसी भी नेता के एमएनसी ना हो। कैमरा मैन मनोज मात्रे के साथ भूपेश राव, लॉर्ड बुद्धा टीवी, चेंबूर। वाशिम में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के निषेध में मोर्चा निकाला गया। साथ ही युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बाबूराव शिंदे के नेतृत्व में आंदोलन भी किया गया। इस आंदोलन में युवक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस कडून आयोजित संपूर्ण राज्य मध्ये
सरकारच्या खोट्या आश्वासनं, चुकीचे धोरणं यामध्ये देशातील शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, विद्यार्थी, व्यापारी, नोकरदार या सर्वांवर हलाखीचं जीवन जगण्याची वेळ येत आहे. सरकारने ह्या सर्व भाववाढीसारख्या गोष्टी नोकऱ्यांचे आमिष देऊन बेरोजगारांना अद्यापही कुठलाही न्याय न देता बेरोजगारांवर सरकारकडून हा अन्याय होत आहे. तसेच भाववाढीबद्दल त्यानंतर देशात आणि राज्यात चालू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चेवर, त्यापैकी एक मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे राफेल घोटाळा. हा जवळपास राफेल घोटाळ्यामध्ये हे मोदी सरकार चांगल्या प्रकारे अडचणीत आलेलं आहे आणि जवळपास तो राफेल घोटाळा सिद्धच झालेला आहे. परंतु त्यावर सरकारने अद्यापही कुठलेही स्पष्टीकरण न देता फक्त वेळ मारून येण्याचं काम या ठिकाणी सरकार करत आहे. या सर्व गोष्टींना अनुसरून महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण राज्यामध्ये आयोजित निषेधासन या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून वाशिम जिल्ह्यामध्ये सुद्धा वाशिम जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष माननीय आमदार अमित भाऊ छनक यांच्या मार्गदर्शनात या ठिकाणी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या वेगवेगळ्या धोरणांवर एक विडंबना म्हणून निषेधात्मक परंतु अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन या ठिकाणी वाशिम जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही साजरे केले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे आसनं करून शासनाचा आम्ही या ठिकाणी निषेध व्यक्त केला. तसेच शासनाने आरक्षणाचे मुद्देसुद्धा कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थितपणे न हाताळता फक्त त्यांना पुढची वाट दाखवून थोपटून थांबवण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण असो, धनगर आरक्षण असो, मुस्लिम आरक्षण असो, लिंगायत आरक्षण असो, यावर कुठलाही ठोस उपाय न काढता हे शासन कुचकामी धोरणं राबवून फक्त या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, नोकरदार, विद्यार्थ्यांची, तरुणांची दिशाभूल करण्याचं काम करत आहे. त्यामुळं आम्ही आता यापुढे कधी स्वस्थ बसणार नाही आणि सरकारकडून होणाऱ्या या चुकीच्या धोरणांचा वेळोवेळी याहीपेक्षा आक्रमकपणे आम्ही निषेध नोंदवू. ब्रेक के बाद रुक करते हैं जालना की खबर की ओर. जालना के परतूर तहसील के शेगांव से पंढरपुर जाने वाले नए राष्ट्रीय महामार्ग का काम किया जा रहा है. वहीं आष्टी से परतूर की तरफ आने वाले रास्ते का काम बहुत ही धीरे गति से किया जा रहा है. साथ ही यहां गड्ढे होने के कारण अधिक मात्रा में धूल होने से आने जाने वालों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. वहीं नागरिकों ने इन रास्तों पर पानी मारकर धूल का बंदोबस्त किए जाने की मांग की. माझी रस्त्यात ती 5 वर्षापासून चालते इथं. त्या साईडला जर तुम्ही पाहिलं तर तिकडे 1 महिन्यापासून ते काम चालू आहे. त्यामुळं माझा धंदा म्हणजे डबगायला आलेला आहे, व्यवसाय माझा बुडायला आला. मी उपाशी मरायलो या ठिकाणी. या ग्रस्ताला मी हातापाया पडून जागा मागितली, त्यांनी जागा दिली म्हणून दुकान आलं. पण ही धुळीचा तारा इतका, अरे बापरे काय सांगा, डोळ्याची आग होती. असं पाणी डोळ्या मारलं तर तिथे तोंड कडकड होते. एवढंच काय मी काल काय केलं, या ज्या गाड्या आहेत रोडच्या त्या गाड्याच्या पुढे झोपलो. त्यांना सांगितलं तुमचे संबंधित इंजिनियर कोण असतील त्यांना बोला, इथं रोडवर पाणी टाका, अन्यथा तुमची एकही गाडी चलवत नाही मी, असं बोललो मी प्रत्यक्ष. पण ते जरा उद्धटपणे बोलले, हरकत नाही, अधिकारी आहेत. पण ही जर सोय केली तर सगळ्याच लोकांसाठी चांगलं होईल. हां बोला. मालकी राहणार माव या रस्त्यावर मागील 1 वर्षापासून प्रवास करीत आहे आणि या रस्त्याचं काम एक वर्षापासून चालू आहे. आणि हे काम हे अतिशय मंद गतीने चालू आहे. आणि या कामाकडे इथला पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, इथलं प्रशासन, गुत्तेदार हे कुठल्याही प्रकारचं व्यवस्थित काम करीत नाहीत. आणि या धुळी या वाहनामुळं अतिशय धूळ होत आहे आणि या धुळीमुळं लोकांना त्रास होत आहे. ऑक्सिजनचं प्रमाण सतत वाढत आहे. रस्त्यावर वाहनं पलटी होत आहेत, तरी हे मंद गतीनं होत असलेलं काम व्यवस्थितरित्या चालू करण्यात यावं आणि या धुळीसाठी पाणी वगैरे रस्त्यावर टाकण्यात यावं. पानी की समस्या पूरे विश्व में आम हो गई है. हर कोई पानी की समस्या से चिंता में है. नागपुर के खापरखेड़ा के समीप स्थित चिंचोली गांव में कोल माइंस का काम होने से यहां आसपास के कई गांव में पानी का स्तर नीचे गिर गया है.
ऐसी कई समस्या पर प्रकाश डाला हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने। कि पानी टंचाई पिछले दो साल से है, उसका कारण एक है कि यहाँ बाजू में एक ओपन कास्ट खदान खुलने के कारण पानी का जो स्रोत है, लेवल जो है वो पूरी तरह से डाउन है। उसके वजह से दो साल से पानी की थोड़ी सी हमारे यहाँ जो सप्लाई के कुएँ हैं उसकी लेवल डाउन हो जाने से बहुत तकलीफ जा रही है। पिछले साल में भी ये हमने उसके ऊपर में थोड़ी बहुत मात करने की कोशिश की कि इधर उधर बोरवेल करके बोरवेल के माध्यम से पानी की सप्लाई की, वो है पर्याप्त। पर अभी साल भरे से मैं जब से सरपंच बना हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि पानी है, पानी मिलता है लोगों को, लेकिन उसका अपव्यय जो है, दुरुपयोग जो है बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है। वो अगर ना हो तो शायद उसके ऊपर में मात कर सकते हैं, उसके टैंकर मुक्त तो ये गांव हो सकता है। मेरे आने से पहले में टैंकर बहुत ज़्यादा प्रमाण में चले, मैंने उसके ऊपर में एक थोड़ी बहुत मात करने की कोशिश की बोरवेल करके, उसके हिसाब से हमारे टैंकर मेरे कार्यकाल में अभी साल भर के इसमें बहुत कम प्रमाण में चले। तो अभी कहीं तो भी ये लग रहा है कि दिनों दिन जैसे जैसे खदान नीचे जा रही है वैसे वैसा पानी की जो लेवल है वो कम होते जा रही है। और इस बार बारिश भी कम होने के कारण डैम भी भरे नहीं, नदी वगैरह भरी नहीं, तो अभी जिस जैसी अवस्था या स्थिति कुओं की उस समय में थी पिछले धुपकाले में, उसी तरह की व्यवस्था या स्रोत जो है पानी का उगता ही है, कुएं की लेवल बढ़ी गई है, दिन ब दिन वो नीचे जा रही है। तो उसके ऊपर में अभी बोरवेल के माध्यम से जो सप्लाई कर रहे हैं या कुएं के माध्यम से दोनों मिक्स करके कर रहे हैं, लेकिन वो पूर सकता है पानी इस साल के इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर गांव के लोगों ने ये पानी का जो दुरुपयोग जो है, रोड पर पानी मारना, बहुत सारा जहां एक बकेट में काम होना है वहां चार चार बकेट का उपयोग करना पानी का, उसके वजह से कहीं तो भी इसके ऊपर में रोकथाम करें तो जरूर थोड़ा बहुत उसमें राहत मिल सकती है करके हमने ये हमारी पानी पुरवठा समिति जो है, जो सभासद सदस्य लोग हैं उनने सबने मिल के एक मुहिम छेड़े है कि पानी बचाओ। तो पानी बचाओगे तो अपन बचेंगे। आज अगर आज के पुरता या इस साल धुपकाले के पुरता अगर व्यवस्था करते हैं उतनी ठीक है, लेकिन पानी आगे के लिए भी बहुत आवश्यक है करके ये सब लोगों को उसमें जन जागरण करना, उनकी जन जागृति करना कि पानी अपने लिए, अपने जीवन के लिए कितना अमूल्य है, आगे चल के पानी के लिए क्या क्या होने वाला है, ये उनको समझाने की जरूरत है करके हम लोग अभी पानी पुरवठा स्वच्छता समिति की टीम ने ये ठहराया है ऐसा कि रोज जा जाके हर वार्ड में, हर गली में जाके जो भी इस तरह का पानी का दुरुपयोग करता है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें यश मिल रहा है और कहीं ना कहीं हमारी समिति जो काम कर रही है उसके ऊपर में उस हिसाब से जो मेहनत कर रहे हैं तो उसमें यश जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें लोगों का सहभाग होना, लोगों की जागृति होना ये बहुत जरूरी है करके ही हम ये सब पॉम्पलेट छपा के या दवंडी करके या खुद उनके पर्सनल मिलकर ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा पानी आगे के स्रोत के हिसाब से आगे जो लगेगा हमको, ये जो लेवल नीचे जा रही है तो उसके हिसाब से हमने शासन से डिमांड की है कि हमारे नदी के उसमें एक इंटेक वेल बांध कर दे तो ताकि उससे भी कुछ राहत मिलेंगी। कहीं बोरवेल है, हैंडपम्प है, उसकी हमने डिमांड की है तो जहाँ तक अगर वो काम हो जाते हैं तो एक पर्याप्त व्यवस्था यहाँ चिचोली खापरखेड़ा ग्राम पंचायत के लोगों को पानी की मिलेंगी, जिसकी ये मुझे आशा है। और शायद अब उस काम के भी लिए हम लोग सब मिलकर शासन के पास जाके उनसे ये डिमांड करेंगे कि हमारी ये जो डिमांड है जल्द से जल्द पूरी हो। जैसे हमारे जो पानी पुरवठा जो समिति जो है, अब इन सब ने नियोजन लिया है कि जो गांव में जो वेस्टेज जो पानी जो जा रहा है
तो इनका ये पानी का मतलब बचाव होना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है ऐसे जिन्होंने बोरवेल खोद के रखे हैं या मतलब जैसे ग्राम पंचायत के नल से ये लोग जैसे पानी रोड के ऊपर मारते हैं पाइप लगा के, तो ग्राम पंचायत के हमारे जो पानी पुरवठा समिति के लोगों के यहाँ पे जा रहे हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं कि पानी बचाव करके जैसे ऐसे नारा लगा रहे हैं। अब जैसे अखबार में भी जैसे दिया है पानी जैसे बचाव करके, तो उसी साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे भी एक अखबार में फोटो आई है जैसे मैं पानी का दुरुपयोग किया करके, जबकि वो फोटो पुरानी है उसके बावजूद भी किसी ने मतलब एक फोटो लेके जैसे डाला है बाइक धोते हुए। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जैसे मैं तो रोड डिवाइडर के ऊपर जैसे पानी डालता हूँ, जो कुंडी जो लगाए वो पेड़ को मतलब मैंने छोटे से आज तक के बड़ा किया है। तो जैसे लोग भी आज भी सब लोगों का कहने का मतलब है कि जब ये पेड़ों को जब ये जगाता है इसने छोटे से लेके बड़ा किया है, तब इसकी किसी ने फोटो नहीं दिया और आज इसने जैसे पानी की जैसे वेस्टेज जो किया है तो इसके बराबर फोटो दिया है। तो मेरा भी कहने का मतलब ये है कि अब सब लोग जैसे एक पेड़ लगाओ या एक पेड़ के कारण मतलब बहुत से जैसे फायदे है। आज जैसे अपन जैसे इंटरनेट जैसे यूज करते हैं तो अपने को जैसे पैसे देके जैसे नेट पैक मारना पड़ता है, वैसे आज अगर अपन एक जैसे पौधा लगा रहे हैं तो पौधे के पास से अपने को जैसे वाईफाई जैसे मिल रहा है, तो आज जैसे लोगों ने जैसे पेड़ लगाए तो उसके पास से मतलब अपने को जैसे फ्री नेट यूज करने के लिए मिलेगा। इसलिए अपन ने पेड़ को मतलब जैसे बचाना चाहिए और पानी का वेस्टेज नहीं करना है। बस दर्शकों, सावरे से सटा हुआ जो ये खापरखेड़ा चिचोली ग्राम पंचायत है, जहाँ पर इसी से सटे हुए WCL ने ओपन कास्ट का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाया है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि ओपन कास्ट की जो गहराई है, गहराई से जो पानी की समस्या है, पानी की जो लेवल है बहुत ही ज्यादा अंदर जाती जा रही है। और जिस समय खापरखेड़ा में अभी स्थिति ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये खापरखेड़ा का एक कुआ है, जहाँ पर खापरखेड़ा वार्ड नंबर एक को ये यहाँ पे पानी जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी की जो कुएं की जो सप्लाई है, यहाँ पर पानी की जो देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अभी उसकी बहुत ही कम लेवल रह चुकी है। और यहाँ पर जो पानी है वो पानी पूरी तरह से यहाँ पर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जहां पर पूरी तरह से खापरखेड़ा में यहाँ पर पानी पुरवठा स्वच्छता समिति की ओर से यहाँ जनजागृति की जा रही है, साथ ही साथ पानी बचाओ का यहाँ पर एक संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से WCL की जो खदाने हैं वो जितनी ज्यादा गहराई जाते जाएंगे उतने ज्यादा पानी की समस्या इस एरिया में आपको दिखाई देंगी। और पानी ही जीवन है, पानी ही जल ही जीवन है, इस तरह का नारा यहाँ पे समिति के लोग लगा रहे हैं और पानी को बचाने की बात यहाँ पे समिति के लोग कह रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में पानी के किस तरह से खापरखेड़ा और खापरखेड़ा के आसपास में समस्याएं उभरती है और इस समस्याओं किस तरह से निजागत यहाँ के लोग पाते, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ में मैं शैलेश ढोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, खापरखेड़ा। अविरल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित मी हनुमंता रिक्शेवाला ये फिल्म 23 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है और इस फिल्म में विदर्भ के कलाकारों को अवसर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी स्नेहल जायसवाल ने लॉर्ड बुद्धा टीवी को दी। दर्शकों, अविरल फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत मी हनुमंता रिक्शेवाला ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। ये फिल्म काफी हद तक सच्ची घटना पर आधारित है और ये इस फिल्म में विदर्भ के कलाकारों को प्राधान्यता दी गई है। तो आइए हम इस फिल्म के बारे में स्नेहल जायसवाल जी से जानते हैं। सर, जय भीम। सर, क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले इस फिल्म के बारे में? हाँ, ये फिल्म नहीं है, ये एक आंदोलन है जो कि हमने विदर्भ के सभी कलाकारों को लेके बनाया है। विदर्भ के जो कलाकार हैं उनको बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उसी के चलते हमने हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा कास्ट ना करते हुए विदर्भ की ही प्रतिभा को आगे लाने का निर्णय लिया था और उसी के चलते हमने ये फिल्म मी हनुमंता रिक्शावाला बनाई है। फिल्म की कहानी एक ऑटो रिक्शा वाले के इर्द गिर्द घूमती है और फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं और 23 नवंबर हम लोग ये डेट डिसाइड की है रिलीज़ की, जो कि पूरे विदर्भ में सभी जगह लगेगी। इसमें कुछ कलाकार नागपुर के हैं, कुछ अलग अलग, सभी विदर्भ के अलग अलग एरिया से लिए गए हैं। सर,
मैं पूछना चाहूंगी कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि विदर्भ के कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए या फिल्म निकालनी चाहिए, इसकी प्रेरणा कैसे मिली, क्या बताना चाहिए? ये एक्चुअली ये फिल्म के हमारे जो डायरेक्टर है हामिद पटेल, ये 30 साल मुंबई में रहे, इन्होंने वहाँ बहुत स्ट्रगल किया और उनका ऐसा कहना था कि यहाँ की प्रतिभाओं को वहाँ सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। विदर्भ में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो यहाँ से मुंबई जाते हैं करने के लिए काम, बट उनको कुछ काम नहीं मिल पाता या उनके टैलेंट की कदर नहीं होती वहाँ, तो उस चलते ये फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि विदर्भ के कलाकार मुंबई में जाते हैं लेकिन उनके टैलेंट का कद्र नहीं किया जाता, तो सर आप जब ये फिल्म बनाई गई तो इसके द्वारा क्या अनुभव आए, किस तरह से विदर्भ के कलाकारों की जो विदर्भ के कलाकारों में जो गुण है, जो कला है, वो किस तरह से क्या अनुभव आए, कैसे साझा करेंगे आप? विदर्भ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सभी मतलब हमने सभी लगभग सभी जिलों को कवर किया है। हमने जब ऑडिशंस लिए तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था, बट धीरे 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 जब हमने एक एक हमारे इवन लिरिक्स राइटर से लेके सिंगर्स तक सब हमने विदर्भ के ही लोगों को मौका दिया है, कोई भी बड़ा सिंगर या बड़े उसके हमने इसमें यूज़ नहीं किए, और प्रतिभाएं बहुत है अपने विदर्भ में। जो सिंगर्स है, जो गायक है, वो भी उन्हें भी मतलब आपने फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म दिया या फिर उन्होंने पहले इसके पहले मूवी में गा चुका है, क्या बताएंगे? उसमें कुछ लोगों ने गाया है और बाकी नए थे, नए हैं। सर लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आपको सभी लोग सुन पा रहे, तो हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शकों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि ये फिल्म नहीं, एक आंदोलन है जो कि हमारे डायरेक्टर साहब ने, हामिद पटेल जी ने, हमारे प्रोड्यूसर साहब विनोद कुमार जी जायसवाल ने एक आंदोलन छेड़ा है जिसमें सभी कलाकारों को एक बड़े पर्दे पर लाने की, जो रंगमंच के कलाकार है, थिएटर एक्टर्स है, ड्रामे करते हैं, इन लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है अपने विदर्भ लेवल पर, उसमें वो सामने आएंगे और हमारी प्रतिभाओं को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा बड़े पर्दों पर। तो सर ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है? ये फिल्म 23 नवंबर को रिलीज होने वाली है। विदर्भ के सभी सेंटर्स पे हमने कोशिश की है, 30-35 सेंटर्स हम प्लान कर रहे हैं, लगभग विदर्भ में सभी जगहों पर होगी। दर्शकों तो अभी हमने मी हनुमंत रिक्शा वाला इस फिल्म के बारे में जाना और ये फिल्म 23 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और इस फिल्म में विदर्भ के कलाकारों को खास कर यहाँ पर उनकी कला को प्रस्तुत किया गया, विदर्भ के कलाकारों की कला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं पल्लवी डोंगरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी नागपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल की ओर से वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नागपुर के सेक्रेसा स्टेडियम में सुबह राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल प्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की उपस्थिति में लिया गया। सब यहां एकत्रित हुए हैं नागपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से। नागपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के एक महान नेता, लौह पुरुष, उनकी जयंती के अवसर पे राष्ट्र की अखंडता और एकता के प्रतीक के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पर रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज करी, साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई और हम लोगों ने ये शपथ ली कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। खबरों के सिलसिले में फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज की खबरों के सिलसिले में इतना ही, बहुजनों की खबरों के लिए देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।